नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हमारे साथ में सरसों के व्यापारी रामोतार गुप्ता मौजूद हैं। उनसे हम आज सरसों के बारे में भाव और आवक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि लगातार मार्केट टाइम टीवी अपने दर्शकों को प्रदेश और देश की मंडियों में जाकर मंडी में आने वाले जिंसों के भाव और आवक के बारे में लगातार रूबरू करा रहा है। ऐसे में हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी हैं, मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, आज मंडी के अंदर सरसों की कितनी आवक है, क्या भाव है? मंडी हमारे मंडी में आज की आवक है सरसों की 8 हजार कट्टे की आवक है, 8-9 हजार कट्टे। और भाव है 5400 का भाव है सरसों, 42 लाख 5400। कल क्या भाव थे? कल भी भाव थे 5050-5100, समझ के वही भाव पड़े। कल आज से मिल गया, तो उतार चढ़ाव किस तरह देखा जा रहा है? उतार चढ़ाव कुछ नहीं, विदेशी तेल के ऊपर डिपेंड है। विदेशी तेल मिलता है उसकी वजह से बाजार रुके हुए हैं। क्या कारण मानते हैं कि विदेशी तेल डाउन है? कारण तो कुछ नहीं है, और मेन बात यह गवर्नमेंट को भी मात तोड़ रहा है कुछ तो खास करके, कि उस पर सब्जी की आमद घटी है, राजस्थान में सब्जी की आमद घटी है, तो गवर्नमेंट को माल तोड़ रहा है। जिनका नंबर आता है माल लेकर आता है गवर्नमेंट का, और विदेशी तेल जो आ रहा है उसके पीछे विदेशी बाजार बढ़ते हैं, यहाँ बाजार बढ़ते हैं। अब यहाँ मतलब विदेशी बाजार बंद है तो यहाँ बाजार बंद है। तो अभी आप सरसों को लेकर बाजार क्या लग रहा है? बाजार कुछ नहीं है, कोई तेजी वाली बात नहीं थी। जब तक विदेशी जब बाजार तेज होंगे, विदेशी बाजार पार पड़ती वैसे पार नहीं पड़ेगी। ये लगा लो 50-70% मील बंद कगार पे है, बंद की कगार। क्या कारण मानते हैं हम मील बंद होने के कारण? बंद होने का कारण क्या है? आज ये सरसों का भाव है 5400 भाव है, 5400 वाले सरसों का तेल बैठता है घर में 105 रुपया, और भाव है 100 रुपया, 5 रुपये का नुकसान है। विदेशी बाजार के घटने की वजह से नुकसान है। तो अभी जो सरसों है मंडी के अंदर कहाँ से आ रही है और क्या गुणवत्ता है? कुछ नहीं, मंडी के आसपास ही गांव से सरसों आती है, अपने 50-100 किलोमीटर की सरसों आती है। यहाँ पर मालागढ़ है, अपना राजगढ़ है, बड़ौदा है, आसपास से मंडी काश्तकार लेके आते हैं। काश्तकारों को भाव को लेकर अगर आप बात करें तो किस तरह के भाव काश्तकारों को मिल पा रहे हैं? काश्तकारों को भाव तो मिल रहा है जिनके जिनको वो माल तोड़ना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को तोड़ ही रहे हैं, और जिनको भी शादी ब्याह है वो माल बेचना है, बेच दिया माल अपना। अगर MSP की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? MSP की बात तो ऐसी बात है, माल जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो तो माल तुलेगा तुलेगा, और बिना रजिस्ट्रेशन का माल सेल तुल जाएगा, क्योंकि वहाँ रेट है 5650। वहाँ पे यहाँ पर हमारे मंडी में भाव 5100 रुपया, 550 फर्क होगा। तो भाई जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो माल तो लेंगे। तो इतना अंतर कैसे आ रहा है MSP पे और गवर्नमेंट रेट है? यहाँ भाव नहीं है ना मंडी में, मंडी भाव नहीं है। अच्छा, तो अभी अगर आप बात करें तो कुल टोटल कितनी आवक है, मतलब टोटल पूरे देश भर में? हाँ, पूरे देश भर में मेरे हिसाब से 7-1 लाख कट्टे की आवक हुई पूरे देश में, मंडी सारी मंडी में पूरे देश भर। सीजन तो मेन सीजन चल रहा है, सीजन देखो इस टाइम हमारे मंडी में आमद होती 20-20 हजार कट्टे की, 7-8 हजार कट्टे की आवक है, तो बाजार नहीं है ना, बाजार टूटे हुए है। अभी जो तेल मिलर की अपन बात करें तो तेल मिल में जो सरसों यहाँ से जा रही है वो किस तरह की गुणवत्ता है, और आगे कौन कौन से मीलों में जा रही है और क्या है? मीलों में कुछ नहीं, जब मीलों में यहाँ से पर्ची सरसों हम खरीदते हैं, मील वाले मील में यही सरसों बेचते हैं, लेकिन करे क्या, 70% या 50% मील बंद कगार पे आ गई। मैं अभी बता रहा हूँ कारण क्या है कि बाजार में ये सरसों का ये लगा लें क्या होगा, सरसों 5000 पड़ता है 105 रुपये किलो, और भाव 100 का, जो विदेशी बाजार एक टूटी बढ़े 25% जब कारोबार हिसाब बैठे। पाम तेल किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, फिर भी इसका इतना बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय कोई साजिश है, क्या है, क्या मानते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं बताऊँ, पाम तेल के बारे में विदेशी तेल आ रहा है उनकी वजह से ये मतलब सरसों टूटती है, नहीं कोई खा मतलब माल तो पीछे से पाम तेल तो आ ही रहा है, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा। नहीं, नुकसानदायक तो है लोगों के, नुकसानदायक मिक्सिंग होता है पाम तेल है, मिक्सिंग होता है, यानी कि मतलब वैसे विदेशी तेलों के भाव गिर चुके हैं, मतलब काफी बाजार गिरे होंगे, बाजार गिरे होंगे, बाजार टूटे हैं, नहीं तो टूटते बाजार।
हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी राम अवतार गुप्ता जी मौजूद थे। उन्होंने हमको यहाँ सरसों के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेशी तेलों के जो भाव है वो टूट चुके हैं और सरसों की जो आवक है वो मंडी में लगातार हो रही है, किसानों को भी फायदा हो रहा है, लेकिन जो भाव है लगातार स्थिर नहीं है, भाव जो है ऊपर नीचे रोजाना मंडी में हो रहे हैं। नितिन शर्मा, अलवर।